So today we will discuss about trichomonads. Trichomonads are protozoan parasites comes under the family Trichomonidae. So parasite या family members comes under the Trichomonidae, commonly known as ट्राइकोमोनाड्स. जो जो स्पेसीज जीनस ट्राइकोमोनेडी फैमिली के अंदर आता है उसको कॉमनली नोन एज ट्राइकोमोनाड. मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज यूजुअली पायरीफॉर्म इन शेप्ड पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का ऑर्गेनिज्म. इट इज प्रोटोजोअन पैरासाइट्स. एंटीरियर इन यूजुअली राउंडेड एंड पोस्टीरियर इज पॉइंटेड. एंड ट्राइकोमोनाइड इज ए फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म. फ्लैजलेट मीन्स इट हैव फ्लैजेला. फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म जैसे कोक्सीडिया पढ़े, कोक्सीडिया है नो फ्लैजेला, नो लोकोमोटरी ऑर्गन. बट ट्राइकोमोनाड्स हैव फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म. अबाउट 3 to 5 फ्लैजेला प्रजेंट एंड ऑल्सो एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रजेंट इन केस ऑफ ट्राइकोमोनाड प्रोटोजोअन पैरासाइट. एंड एक जो स्टाइल इज ए स्केल्टन स्ट्रक्चर, हेलाइन स्केल्टन स्ट्रक्चर प्रेजेंट यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस इज द एक्जो स्टाइल. एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म. दिस इज द यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म. एंड लोकेशन इज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द होस्ट. बट सम पैरासाइट मे बी फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द होस्ट. सो ट्राइकोमोनाड्स आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूजुअली. बट सम ट्राइकोमोनाड्स मे बी फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द होस्ट. बॉडी इज यूजुअली पायरीफॉर्म और पियर सेपेट एंड फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म. This is the species comes under or the family Trichomonidae. Most important is Trichomonas fetus. Host is the cattle, buffalo, pig, and horse. And location is the reproductive tract. Another species is Trichomonas gallinae, usually found in pigeon and turkey, and found in the digestive tract of the pigeon and turkey. Another is Trichomonas vaginalis in case of man, found in case of vagina and urethra of the infected host. First hum discuss karenge Trichomonas fetus. Trichomonas fetus is a important protozoan parasite found in the रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ यूजुअली इन केस ऑफ कैटल. कैटल के केस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्राइकोमोनस फीटस प्रोटोजोअन पैरासाइट आपको मिलेगा. सो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी इज यूजुअली पियर सेपेट इज द family characteristic. Body is usually pear shaped, pyriform shaped, and flagellate organism. So, 3 anterior flagella, anterior side में 3 flagella and posterior flagella. One is posterior flagella. This is the posterior flagella. Flagellum and a hyaline rod-like structure is exostyle. It act as a skeleton of the organism. Style is act as a skeleton of the organism. And movement of the organism is inside the body is the vigorous jerky movement. Vigorous jerky movement is the characteristic feature of the Trichomonas fetus organism. Only sexual method of reproductions found in case of Trichomonas fetus.
only asexual method of reproduction found. Sexual method of reproduction is absent. Cystic stage is absent. जैसे आप उसमें पढ़े होंगे कोक्सीडिया में ओसिस्ट या अनस्पुलेटेड या स्पुलेटेड सिस्ट, तो इस केस में सिस्ट स्टेज इज एब्सेंट, तो इस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए सिस्टिक स्टेज, नो सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स इन ट्राइकोमोनस फीटस ऑर्गेनिज्म। ट्राइकोमोनस फीटस ऑर्गेनिज्म में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ओनली एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द ट्राइकोमोनस फीटस ऑर्गेनिज्म। देन होस्ट इज, इट इज मेनली पैथोजेनिक इन केस ऑफ कैटल। कैटल के केस में ओनली पैथोजेनिक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, बट मे ऑल्सो अकर इन बुफेलो हॉर्स पिग एंड डियर, बट मेनली पैथोजेनिक इन केस ऑफ कैटल। लोकेशन जैसा कि हम आई हैव प्रीवियस टोल्ड, इट फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। ट्राइकोमोनस फीटस इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। सो इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इट फाउंड इन द वजाइना एंड यूट्रस इन केस ऑफ काउ, बट इन केस ऑफ बुल फाउंड इन द प्रीपेशियल कैविटी ऑफ द पेनिस। सो इट फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द कैटल। काउ के केस में भेजाना इंटरेस्ट में मिलेगा, एंड बुल के केस में प्रीपेशियल कैविटी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक मिलेगा। इन ट्रांसमिशन, हाउ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कैटल टू अनदर कैटल। तो ऑर्गेनिज्म आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द क्वाइटस, through the coitus, so it is a venereal disease. No intermediate host are required for the completion of their life cycle, so it is direct life cycle. Life cycle of trichotrichomonas fetus is direct. Organism transmitted mainly through the coitus, so it is a venereal disease. And another method of transmission in during artificial insemination and gynecological examination, parasite may be transmitted. Some gynecological examination and artificial insemination during through the contaminated instrument, organism may transmitted from one cattle to another cattle. जो AI instrument के द्वारा या gynecological एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपके हैंड्स के द्वारा भी इन्फेक्टेड है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना आप स्टरलाइज कर किए हुए, बिना दूसरे को एग्जामिनेशन करते हैं दूसरे कैटल को, तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, बट मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द क्वाइटस। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ ट्राइकोमोनस फीटस, दिस सेंटेंस, bulls once infected remain a permanent source of infection. Means if once bull get the infection remain lifelong in case of bull. यदि bull में एक बार infection trichomonas fetus का आ गया तो eradicate नहीं होगा, वो lifelong उसके जिंदगी भर वो infection trichomonas fetus bull में रहेगा। What whereas in case of cow, infection is self-limiting and parasite may gradually disappear. Means if the cow get infection, then infection is maybe self-limiting. अपने आप को control कर लेता है. Parasite gradual disappear होता है due to development of immunity. So bulls act as a permanent source of carrier and permanent source of infection. But in case of cow, a spontaneous recovery occurs and disease is self-limiting. अपने आप वो ठीक हो सकता है due to development of immunity. तो याद रखिएगा, bulls once infected remain a permanent source of infection, whereas in case of cow, infection is self-limiting and parasite may gradually disappear. इस sentence को आप tip of the tongue रखना चाहिए, रखें।
Then transmission, diagrammatic representation of transfer from the infected wool. In the wool, parasite located in the prepucial membrane, prepucial cavity during coitus may transmit in the cow. In the cow, infect the vagina, then from the vagina go to uterus and then abortion of the pregnant cattle. Simple life cycle, no intermediate host stop required, direct life cycle and transmitted through the coitus, so it is a venereal disease. Parasite multiply in the vagina of the infected cattle. So pathogenesis, Trichomonas fetus cause a specific venereal disease is known as bovine trichomonosis or bovine trichomonas abortion in cattle. Disease is commonly known as bovine trichomoniasis and bovine trichomonad abortion in cattle. इस डिजीज के नाम को भी आपको याद रखना है. ट्राइकोमोनस फीटस काउज ए वेनेरियल डिजीज नोन एज बोवाइन ट्राइकोमोनोसिस एंड बोवाइन ट्राइकोमोनाड अबॉर्शन इन केस ऑफ कैटल, बट क्योंकि मेनली पैथोजेनिक इन केस ऑफ कैटल. देन पैथोजेनेसिस, क्या क्या पैथोजेनेसिस हो सकता है? तो फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म कम्स इन द वेजाइना थ्रू द सेक्सुअल क्वाइटस and multiply in the vagina and cause vaginitis, inflammation of vagina, then organism come to uterus, organism uske baad uterus mein aata hai, then infect the uterus and cause inflammation of the uterus wall, so known as endometritis. Endometritis is inflammation of the endometrium of the uterus. Then infect the placenta in case of pregnant cattle, cause placentitis, inflammation of placenta, then detachment of placenta from the placental membrane and death of the fetus and ultimately early abortion, usually 8 to 16 weeks after the infected cervix. So this is the pathogenesis of trichomonas fetus in case of cattle. Through the sexual coitus from the infected bull, it comes into vagina. In case of vagina, it organism multiply by the asexual method of reproduction, then cause vaginitis, inflammation of vagina, then organism go to uterus, then cause endometritis, means inflammation of the uterus wall and endometrium, so know the endometritis, then infect the placenta and cause placentitis, inflammation of placenta, then detachment of the placental membrane occurs and death of the fetus leads, and which ultimately leads to abortion. Abortion is early abortion, means 8 to 16 weeks after the infected cervix. Jaise in case of Brucella, late abortion occurs, but in case of Trichomonas fetus, early abortion 8 to 16 weeks after the इन्फेक्टेड सर्विस. ये सेंटेंस को याद रखना है, इसमें अर्ली अबॉर्शन होता है, ब्रुसेला के केस में लेट अबॉर्शन होता है, तो कंपेटिव आपको याद रखना है. देन पैथोजेनिस सम अनदर पैथोजेनेसिस इज समटाइम फीटस एंड फीटल मेम्ब्रेन रिटेन लीडिंग टू पुरलेट इंडोमेट्राइटिस. समटाइम फीटस अबॉर्शन, फीटल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, रिटेन हो जाता है यूट्रस में एंड लीड टू पुरलेट इंडोमेट्राइटिस. इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्रियम इज द वाल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का दीवार है. वेन सर्विस इज क्लोज, सर्विस इज द नेक ऑफ द यूट्रस, सर्विस इज द नेक ऑफ यूट्रस is closed and corpus luteum is retained, then closed pyometra develop. Closed pyometra, pyometra means development of or formation of pus in the uterus. Development of pus in the uterus is called pyometra. When the trichomonas fetus infection occurs, sometimes cervix is closed
and uterus contained several liter of grayish white fluid with many trichomonas organism, which gives the appearance of pregnancy. क्योंकि इसमें uterus filled up with the many liter of the white gray white fluid, जिसके कारण uterus में swelling type का रहता है, जिसके कारण फील करने पर उसमें प्रेगनेंसी जैसा फील होता है, क्योंकि दोबारा हीट में ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, क्योंकि उसमें कॉर्पस लूटियम ओवरी पर ऑलरेडी रिटेन रहता है. कॉर्पस लूटियम जब तक ओवरी पर रिटेन रहेगा, बना रहेगा, कैटल दोबारा हीट में नहीं आएगा. कॉर्पस लूटियम ब्रेक करता है. कॉर्पस लूटियम इज ए स्मॉल ग्लैंड फॉर्म आफ्टर द ओवुलेशन ऑन द ओवरी. आफ्टर द ओवुलेशन के बाद, ओवरी से ओवुलेशन के बाद, अ स्मॉल ग्लैंड फॉर्म ऑन द ओवरी, सो नोन एज कार्पस लूटियम. एंड कार्पस लूटियम रिटेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. जितना दिन प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, तो 9 मंथ तक कार्पस लूटियम ओवरी पे बना रहता है. और जब 9 मंथ के बाद कॉर्पस लूटियम ब्रेक होता है, डिस्ट्रॉय होता है, देन पार्चुरिशन होता है. एंड जब सर निर्मल आना चाह रहा है, उसको अलाउ कर दीजिए. क्या निर्मल आ गए? तो इस जगह एक हम गायनी का थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कॉर्पस लूटियम का फंक्शन है कि दोबारा हीट में यदि कॉर्पस लूटियम बना रहेगा ओवरी पर, तो दोबारा हीट में कैटल नहीं आएगा. कॉर्पस लूटियम ब्रेक होता है, जब कंसीव नहीं करती है गाय, तो कॉर्पस लूटियम ब्रेक हो जाता है और दोबारा हीट में कैटल आती है. देन सर्विक्स इसमें क्लोज्ड हो जाता है एंड सर्विक्स यूट्रस इज फिल्ड विथ मेन सेवरल लीटर ऑफ द ग्रेस वाइट फ्लूड विच कंटेंट मेनी ट्राइकोमोनॉड ऑर्गेनिज्म, सो गिव्स फॉल्स प्रेगनेंसी एंड अपीयर्स एज कैटल इज प्रेग्नेंट. इन लॉन्ग स्टैंडिंग केस ट्राइकोमोनॉड मे डिसअपियर फ्रॉम द यूट्राइन फ्लूड, सो डिजीज इज सेल्फ लिमिटिंग इन काउ. जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, इन केस ऑफ काउ ट्राइकोमोनॉस फीटस इन्फेक्शन इज सेल्फ लिमिटिंग. ऑर्गेनिज्म मे डिसअपियर इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, सो इट इज ए सेल्फ लिमिटिंग इन केस ऑफ काउ. बट इन केस ऑफ बुल, ऑर्गेनिज्म परसिस्ट इन होल लाइफ ऑफ द बुल. इन सर ये जो पायोमेट्रा जो बताया सर, तो ये सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ही ठीक हो जाता है सर कुछ दिन बाद? हाँ, डिजीज ऑर्गेनिज्म अपने आप डिसअपियर हो जाता है, तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा उस केस में, जब ट्राइकोमोनस फीटस के द्वारा पायोमेट्रा हो रहा है तब, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है उसको. इन केस ऑफ काउ ड्यूरिंग द पायोमेट्रा, अनदर इन्फेक्शन से भी होता है, बैक्टीरियल वायरल सब अनदर इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है, बट इन केस ऑफ ट्राइकोमोनस फीटस. सर तो इसमें पहले टेस्ट करके देखते होंगे ना कि यही है, तभी तो छोड़ते होंगे, फिर मेडिसिन वगैरह नहीं देते होंगे. हाँ, लेकिन ये यदि एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो एक दो बार लगभग वो अबॉर्शन करेगी वो कैटल, उसके बाद उसमें इम्यूनिटी आता है, दो बार इम्यूनिटी उसको, अब फिर ये तो दूसरे को भी ट्रांसमिट हो सकता है इसके द्वारा ना. Yes. सर तो ये तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा सर. इकोनॉमिक क्योंकि ये उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट पैरासाइट है. जैसे आप पढ़ेंगे ब्रुसेला काउज लेट अबॉर्शन, ए अर्ली अबॉर्शन काटा, 8 to 16 weeks आफ्टर द कंसेप्शन. बट इन केस ऑफ बुल पैथोजेनेसिस इज वाली फॉर्मेशन ऑफ रेड नेड्यूल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ प्रीप्यूस, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द प्रीप्यूशियल कैविटी. But above sign may disappear 1 to 2 weeks after the infection, but infection persists because bull act as a
परमानेंट कैरियर वंस गेट इन्फेक्शन. एक बार इन्फेक्शन यदि बुल में हो गया तो परमानेंट वो कैरियर हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन अपने आप डिसअपियर नहीं हुआ, लीजन सबसाइड होगा लेकिन वो इन्फेक्शन इरिडिकेट नहीं होगा. तो ये बर्ड को याद रखना है. नॉर्मल क्वेश्चन, यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है किसके केस में ट्राइकोमोनास फीटस इन्फेक्शन इज सेल्फ लिमिटिंग है, कि कौन सा एक्ट एज ए परमानेंट कैरियर फॉर ट्राइकोमोनास फीटस. सिम्टम्स सर, सर इसका कुछ तो सर उपाय होगा ना सर. अगर नहीं उपाय होगा सर तो फिर तो सर ये जो बुल हुआ सर इससे तो फिर फर्दर आगे तो सर जा ही सकता है ना. हाँ 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 वो तो जाएगा ही. तो बुल का परमानेंट आगे कंट्रोल में हम बताएंगे. परमानेंट उसका है कंट्रोल के लिए स्लॉटर, स्लॉटर या कास्ट्रेशन बेस्ट उपाय है, स्लॉटर ही. उससे इरिडिकेट बुल से नहीं कर सकते इसको, ट्राइकोमोनास फीटस को इन्फेक्शन अभी हो गया एक बार तो सर इरिडिकेट नहीं कर सकते हैं सर. तो फर्दर सर ट्रांसमिशन को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्टेड बुल से. हम सर्व नहीं करवाएंगे कैटल को. फिर यदि काउ में इन्फेक्शन हो गया तो सेक्सुअल रेस्ट देते हैं उसको. yes, थ्री कंजिक्यूटिव एक्स्ट्रा साइकिल, तीन बार जब हीट में आएगा तीन बार उसको हम इंसेमिनेट नहीं कराते हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने आप डिसअपियर हो जाता है. लॉन्ग स्टैंडिंग केस में कर रहे हैं काऊ में ऑर्गेनिज्म में डिसअपियर तो उसको सेक्सुअल रेस्ट देते हैं काऊ के केस में. बट इन केस ऑफ बुल उसको तो इरिडिकेट नहीं करता है तो स्लॉटर इज बेस्ट पॉलिसी इन केस ऑफ बुल. ठीक है. देन सिम्टम इज इंपॉर्टेंट सिम्टम ये याद रखिए कम से कम. अर्ली अबॉर्शन होता है ट्राइकोमोनास फीटस ऑर्गेनिज्म में. वेजाइनल डिस्चार्ज, म्यूकोपोलियन एंडोमेट्राइटिस, एनिस्टेंस एनिस्टेंसिस ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्टेड कैटल. कैटल डज नॉट अकर्स इन हीट, इरेगुलर हीट पीरियड. देन इन केस ऑफ बुल पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, डिस्कलाइनेशन टू सर्व काउ एंड प्रीपिशियल डिस्चार्ज. ए बर्ड को आपको याद रखना है ट्राइकोमोनास फीटस काउज अर्ली अबॉर्शन. अबॉर्शन यूजुअली अकर्स 8 to 16 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन. काउज अर्ली अबॉर्शन डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट हिस्ट्री कर सकते हैं. हार्ट हिस्ट्री इंडिकेट दैट अर्ली अबॉर्शन हो रहा है हार्ट में, मेनी कैटल में कंसेप्शन नहीं, कंसीव नहीं कर रही है मेनी कैटल, बहुत सारी गायें, वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, पायमेट्रा का केस मिल रहा है, तो टेंटेटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं ट्राइकोमोनास फीटस का. बट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बाय द माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज निकल देगा या यूटराइन डिस्चार्ज, प्रीपिशियल डिस्चार्ज या जो अबॉर्टेड फीटस है उसके स्टोमक कंटेंट को माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करने पर उसमें ऑर्गेनिज्म वायरस जर्की मूवमेंट ऑर्गेनिज्म का मिलेगा आपको ट्राइकोमोनास फीटस को. अनदर सीरोलॉजिकल टेस्ट है इसमें एंटीबॉडी या इसमें वेजाइनल या यूट्रस डिस्चार्ज को एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है. तो इसका इंपॉर्टेंट मूवमेंट इसमें होता है याद रखिएगा फ्लैजेला के द्वारा. लोकोमेंट्री ऑर्गेनिज फ्लैजेला अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन मूवमेंट. Then treatment, as I have previous told, since infection is self-limiting in cow, infected animals should be given breeding rest for 3 consecutive estrus cycle. Breeding rest, क्योंकि infection is self-limiting cow के केस में है, तो breeding rest देके हम उसके Trichomonas fetus के infection को control कर सकते हैं. In case of bull, acrophil फ्लेविन ऑइंटमेंट या ब्रेनिल का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं टू रिट्रैक्ट द पेनिस मसल एंड विद द हेल्प ऑफ पुडेंडल एनेस्थेसिया. पुडेंडल एनेस्थेसिया यूज टू रिट्रैक्ट द रिलैक्स द पेनिस मसल. ये भी याद रखिएगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्राइकोमोनास फीटस पुडेंडल एनेस्थेसिया यूज.
Which of the following anesthesia used in the treatment of trichomonas fetus? Bernil, जो हम यूज करते हैं बावेसियोसिस में, उसका भी वो भी इफेक्टिव है. एंड अनदर ड्रग इज डाइमेट्रियाजोल. देन कंट्रोल इन्फेक्टेड वुड मस्ट बी आइदर कास्टेटेड एंड स्लॉटेड. या कास्टेटेड कर देंगे या स्लॉटेड. नो यूज फॉर द फर्दर ब्रीडिंग पर्पस. तो इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अवॉइड ब्रीडिंग बिटवीन ससेप्टेबल काउ एंड इन्फेक्टेड बुल या वाइस वर्सा. इन्फेक्टेड बुल एक दूसरे को ब्रीडिंग से अवॉइड करके रोक सकते हैं. एबॉर्टेड काउ शुड बी गिवन ब्रीडिंग रेस्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव स्ट्रेस पीरियड बिकॉज इन केस ऑफ काउ इट इज डिजीज इज सेल्फ लिमिटिंग. तो ब्रीडिंग रेस्ट 3 कंसेक्यूटिव स्ट्रेस साइकिल में देख के हम उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. देन वन ऑफ द कमर्शियल वैक्सीन अवेलेबल दैट इज ट्रिचगार्ड टू कंट्रोल द टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ ट्राइकोमोनस फीटस. This is a killed vaccine containing trophozoite stage because cystic stage is absent in case of trichomonas fetus. पहले हम बोल चुके हैं cyst stage, no cyst formation occurs in case of trichom, only trophozoite stage. Another organism is trichomonas gallii found in case of pig and turkey. Upper digestive tract, a mainly डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलेगा. ऑर्गेनाइज फोर इंटीरियर फ्लेजेला, इसमें फोर इंटीरियर फ्लेजेला, नो पोस्टीरियर फ्लेजेला मिलता है. कोई पोस्टीरियर फ्लेजेला इसमें नहीं होता है. ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड फ्रॉम अडल्ट पिजन टू दियर ऑफस्प्रिंग थ्रू इन्फेक्टेड पिजन क्रॉप मिल्क. ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर एक क्रॉप मिल्क क्रॉप कंटेंट के द्वारा होता है. इंजेक्शन ऑफ द क्रॉप कंटेंट ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, एक पिजन के क्रॉप कंटेंट को दूसरे पिजन, जनरली यंग पिजन में इन्फेक्शन होता है, वो इंजेस्ट कर जाता है, जिसको क्रॉप मिल्क बोला जाता है. क्रॉप कंटेंट को जनरली क्रॉप मिल्क बोला जाता है, उसके इंजेक्शन से ट्राइकोमोनस गैलनी का इन्फेक्शन यूजुअली इन केस ऑफ यंग पिजन. एडल्ट आर एक्ट एज ए कैरियर. एडल्ट पिजन एक्ट एज ए कैरियर बट नेस्टलिंग पिजन को स्क्वैब बोला जाता है. Highly susceptible. It causes yellow necrotic lesion, जिसको कहा जाता है yellow button. इस बात को याद रखिए, yellow button formation occur in trichomonas gallii infection in the crop, oesophagus and proventriculus. क्योंकि these are the location of trichomonas organism. And sir, one minute. Sir, हाँ. नेस्टलिंग पिजन होता क्या सर? नेस्टलिंग पिजन जो यंग पिजन जो नेस्ट पर है, जिसको स्क्वाइब बोला जाता है. यंग पिजन, वेरी यंग पिजन, उसको स्क्वाइब बोला जाता है. आप एलपीएम में ये सब रहता है, बट स्क्वाइब किसको बोलते हैं, जैसे काफ बोला जाता है ना, उसी तरह नेस्टलिंग पिजन, जो पिजन नेस्ट पर ही अभी है, उड़ नहीं पा रहा है, उसको स्क्वाइब बोलता है. उसी में इन्फेक्शन होता है जनरली. एडल्ट पिजन एक्ट एज ए कैरियर. तो इसमें सिम्टम होगा या ग्रीनिश फ्लूड एंड चीजी मटेरियल एक्युमुलेट इन द माउथ एंड क्रॉप. दिस इज नोन एज क्रॉप मिल्क. क्रॉप मिल्क जो पहला है जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है, पीजन क्रॉप मिल्क, यही चीजी मटेरियल फ्लूड और ग्रीनिश फ्लूड और चीजी मटेरियल एक्युमुलेट इन द माउथ एंड क्रॉप नोन एज क्रॉप मिल्क. बाय द इंजेक्शन ऑफ क्रॉप मिल्क another ascribe get the infection from the infected mother. Another symptom are ruffled feather, depression, weakness, but most important symptom this is a diagnosis on the basis of lesion, yellow button lesion in case of mouth, oesophagus mein yellow button necrotic lesion milega to uske aadhar par diagnosis kar sakte hain. Greenish material crop mein mil sakta hai ya uske examination se, microscopic examination mein ट्राइकोमोनस गैलनी ऑर्गेनिज्म मिलेगा. ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू ट्राइकोमोनस डाइमेट्राजोल इज इफेक्टिव ड्रग. दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ